अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे हम बना रहे थे खाउसा, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि जिन लोगों ने खाउसा नहीं खाया वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख के खाउसे की तैयारी करना शुरू करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे खाउसा हमारा रेडी हो गया था, जो आपने देखा मैंने क्विक से जल्दी से बना लिया है, और यहाँ पे मैंने अपनी ट्रे में सजा लिया। अब इसके साथ होता क्या है आप लोग सब जानते ही होंगे, जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं वही होती हैं। बस में दो तीन चीज़ें और होती हैं जो मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, और बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से बनाऊं, जल्दी से इसे रिकॉर्ड करूं और जल्दी से इसे खा लूं। और जो वो नहीं था वो ये था कि इसमें ग्रीन चटनी होती है। अगर आपको ज़्यादा ही टेस्ट को इन्हेंस करना है तो आप रेड चटनी भी बना लें। बाकी इसकी कड़ी होती है जो कि मैं प्लेट में डाल रही हूँ। तो भाई यहाँ पे हमने अपनी कड़ी डाल दी है, और आप लोगों को तो पता ही है मैंने बेक पार्लर की रेसिपी ट्राई की है, तो आप लोग भी जाएँ जल्दी से ख़रीदें और इसे ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो भाई मैंने तो खा लिया है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया है खा के इसको, वैसे भी मेरी फेवरेट डिश है। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने बनाया और बस आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया है कि भाई आप लोग भी जाएँ और इसे बनाएँ और इसे खाएँ और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट जो है ना वो रेडी करने स्टार्ट कर दी है। कड़ी के बाद मैंने डाला है चिकन। अगर जो लोग चिकन खाना पसंद नहीं करते वो बीफ का भी बना सकते हैं, मीट आपकी मर्ज़ी है, आप डालें भी या नहीं भी डालें ये भी मर्ज़ी है। विदाउट मीट के भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैंने बनाया, वो भी मैंने खाया, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अनियन, उसके साथ थोड़ी सी जो है ना रेड चिली। अगर आप ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा स्पाइसी लेना चाहते हैं, वैसे कड़ी और ये जो चिकन था ना इसमें बहुत मज़े का टेस्ट था, स्पाइसी था, तो चिल्ली डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें चटनियाँ भी डलती हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती हैं, बट ये विदाउट चटनी की भी बहुत टेस्टी था। यहाँ पे मैंने कुछ स्नैक्स लेके वो डाल दिए थे, फिर ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया और ऊपर से नींबू छिड़क देना है। अगर टेस्ट को और इन्हेंस करना है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने जो चीज़ें डाली हैं उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिलीव में ये बहुत टेस्टी होता है। जिन्होंने नहीं खाया ना वो बस जल्दी से जाके खाएं और मुझे अपना फीडबैक शेयर करें। यहाँ पे इसकी फाइनल लुक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।